नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विनीत कुमार नेट। दोस्तों आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं इंटरनेशनल लॉ पर जो हमारी टीचिंग होगी। दोस्तों इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ, जिसको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है, जिसको जस जेंटम भी कहा जाता है, जिसको लॉ ऑफ नेशन भी कहा जाता है। दोस्तों तो दोस्तों जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो जो है जैसे कि इसका वर्डिंग है वो बताती है हमें इंटरनेशनल लॉ, यानी कि वो लॉ जो कि दो नेशंस के बीच में गवर्न करता है या दो से ज़्यादा नेशन के बीच में। यानी कि हम सिंपली बात कहें तो इंटरनेशनल लॉ में ज़्यादातर जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है वो एक देश की दूसरे देश के साथ होती है। वैसे इसमें इंडिविजुअल्स का भी रोल है, इसमें संस्थाएं जो जैसे कि यूनाइटेड नेशन है उसकी जो संस्थाएं हैं उनका भी रोल है, या कोई देश से संबंधित संस्थाएं भी हो सकती हैं उनका भी रोल होता है, पर ज़्यादातर जो मोस्ट प्रोबेबली इसमें होता है वो नेशन टू नेशन होता है। दोस्तों इसीलिए इसको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है। जहाँ तक दोस्तों वर्ड इंटरनेशनल लॉ की बात है तो ये जर्मी बेंथम ने 1780 यानी 1780 में ये वर्ड ईजाद किया था या इसको बनाया था या पहली बार यूज़ किया था जैसे कि इंटरनेशनल लॉ। तो दोस्तों मॉडर्न कंसेप्ट जो है इंटरनेशनल लॉ का दोस्तों वो जो है वो 70-80 साल या ज़्यादा से ज़्यादा हम 100 साल ले लें तो इतना ही पुराना है, इससे ज़्यादा पुराना नहीं है रियल सेंस में। वैसे उसका जो ओरिजिनेशन था या स्टार्टिंग थी वो हो चुकी थी 16th-17th century जो थी उसमें हो चुकी थी, पर वो फुल स्विंग में जब पूरी तरह में जो एक रोल प्ले करना शुरू किया उसने वो उसने 80-90 या 100 साल पहले करना शुरू किया। दोस्तों इसमें कि लीग ऑफ नेशन थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार का बहुत रोल रहा, सेकेंड वर्ल्ड वार का बहुत रोल रहा, उसके बाद यूनाइटेड नेशन जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा। दोस्तों तो इसलिए जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ है हम उसको ही ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जितना भी हमारा डेवलपमेंट है वो इसी पीरियड में हुई है और उसका ही ज़्यादा रिकॉर्ड हमारे पास है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, इज़ देयर वॉज इंटरनेशनल लॉ इन एंशिएंट टाइम। जो एंशिएंट अगर हम टाइम की बात देखें तो रोम, ग्रीस, इंडिया और भी कई सिविलाइजेशन थी जो बहुत डेवलप थी और इनके जो रिलेशन थे वो दूसरे देशों के साथ थे। हाँ, वो उतने ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं हो सकते हैं जितने कि आज हमारे पास हैं, उसका कारण क्या है वो नीचे बताऊँगा मैं आपको, पर हाँ रिलेशन हमारे पास उस वक्त भी थे जितने की हो सकते थे, तो हम कह सकते हैं कि उस वक्त भी एक इंटरनेशनल लॉ था। हालांकि हो सकता है कि वो उतना डेवलप ना हो तो वो अलग इशू है, पर हाँ ये हम जरूर कह सकते हैं कि आज का जो हमारा इंटरनेशनल लॉ का कंसेप्ट है दोस्तों वो यूरोपियन कंट्री की और वेस्टर्न कंट्री की देन है और वहीं से डेवलप हुआ है और उन्होंने उसके लिए बहुत से काम किए हैं। नेक्स्ट इज दोस्तों इमरजेंस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि जो इंटरनेशनल लॉ था इसका जो उत्थान हुआ वो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी लीग ऑफ द नेशन एक बनाई गई थी दोस्तों 1920 में उसको बनाया गया था, पर वो उतनी कामयाब नहीं हुई। जब सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गया तो फिर उसके बाद ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो गया था पूरी दुनिया के लिए कि भाई जो हमारे 30 या 31 साल के पीरियड के अंदर अंदर ही हमने दो वर्ल्ड वार लड़ चुके हैं और उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान झेल चुके थे पूरे जितनी मैनकाइंड थी, वो चाहे जान का नुकसान हो, चाहे माल का यानी कि ह्यूमन लॉस हो, चाहे वो इकोनॉमिक लॉस हो। तो इसमें दोस्तों जैसे मैंने कहा था आपको लीग ऑफ नेशन है जो 1920 में एस्टेब्लिश की गई। इसमें दोस्तों एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो 1865 में एस्टेब्लिश की गई थी और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो कि 1874 में एस्टेब्लिश की गई थी, ये भी एक तरह का साइन है कि देखिए इंटरनेशनल लॉ जो है उसके जो बीज हैं वो पढ़ना शुरू हो गए थे 1865 और 1874 में। आज की डेट में ये दोनों संस्थाएं जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज हैं, आज भी इनका अस्तित्व कायम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल लॉ जो हमारा जो मॉडर्न डे में है इसके जो एक बीज पढ़ना शुरू हुए थे वो इन टाइम से शुरू हो गए थे और ये संस्थाएं आज भी इसमें मैनेज हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रोल ऑफ द कम्युनिकेशन। तो दोस्तों रोल ऑफ द कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल लॉ की बात करें हम, चाहे वो ग्लोबल विलेज की बात करें हम, या फिर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो ये सब कुछ जो है वो पॉसिबल हुआ है दोस्तों कम्युनिकेशन के लिए। देखिए अब ये जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात की मैंने, ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बात की, ये भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो पोस्टल हो चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो। तो इसमें दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है। आज की डेट में देखिए, आज की डेट में हमारे पास इंटरनेट है और बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है, इंस्टेंट टेक्नोलॉजी, जिसमें हम एकदम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जो यानी कि जो दूरियां थी, जैसे अब अमेरिका से इंडिया या इंडिया से जापान, जापान से बाकी कंट्री, वो जो दूरियां थी वो कम हो गई हैं। तो वो दूरियां कम होने से ही जो हमारा ग्लोबल विलेज का जो सपना है, एक इंटरनेशनल लॉ को हम और फ्रीक्वेंटली यूज़ कर पाने की
पोजीशन में है। तो इसलिए दोस्तों मेरा मानना है कि जो रोल ऑफ द कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लॉ के डेवलपमेंट के लिए। आज अगर हमारे पास जितने भी फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मोड हैं उनको कम कर दीजिए दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो अपने आप में सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी। पर कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है आज की डेट में काफ़ी हद तक अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका है। तो यह है दोस्तों इंटरनेशनल लॉ पर इंट्रोडक्शन। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते रहिए इस पर और भी टॉपिक जो है वो प्रिपेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।